अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने वाले हैं चिकन नान चाप, या इसे आप चिकन नान सैंडविच भी कह सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसकी चटनी की रेसिपी भी मैं आपको इस वीडियो में दूंगी। तो सबसे पहले यहाँ पर एक पैन में मैंने ले लिया है 2 टेबल स्पून ऑयल एंड 1 टेबल स्पून बटर। इसमें मैं ऐड कर लूँगी 300 ग्राम्स ऑफ चिकन मिन्स एंड 1 टेबल स्पून ऑफ जिंजर गार्लिक पेस्ट। इसे अच्छी तरीके से भून लेंगे हम। देन इसमें ऐड कर लेंगे 1/2 TSP हल्दी पाउडर, 1 TSP रेड चिली पाउडर, 1 TSP ज़ीरा पाउडर, 1 TSP धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून मीट मसाला पाउडर एंड 1/2 TSP ऑफ ब्लैक पेपर पाउडर। इसे अच्छी तरीके से हम भून लेंगे लगभग 4 मिनट के लिए। देन हम इसमें ऐड कर लेंगे 1 लार्ज चॉप टमेटो, 1 लार्ज चॉप अनियन, 2 to 3 green chili chopped, पुदीना चॉप एंड 1 TSP ऑफ सॉल्ट। इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरीके से मिक्स करके लगभग 10 मिनट के लिए हम इसे रख देंगे लो फ्लेम पे, ताकि जो चिकन है वो गल जाए एंड टमाटर एंड कांदा जो है वो भी सॉफ्ट हो जाए। देन हम इसमें ऐड कर लेंगे 2 लार्ज बॉइल्ड पोटैटोज, 1 TSP रेड चिली फ्लेक्स, 1/2 TSP गरम मसाला पाउडर एंड इसे अच्छी तरीके से पका के रख लेंगे साइड में। यहाँ पे तैयार कर लेते हैं इसकी चटनी, जिसके लिए मैंने लिया है 2 to 3 टेबलस्पून इमली का पल्प, 1/2 कप कोथमीर, 1/2 कप पुदीना, 3 से 4 हरी मिर्ची, 1/4 TSP ब्लैक सॉल्ट, 2 TSP ऑफ अनारदाना, 1 TSP ऑफ ज़ीरा, 1/2 TSP वाइट सॉल्ट, 1 इंच ऑफ जिंजर एंड 7 to 8 garlic। इसमें हम आइस क्यूब्स ऐड करके ग्राइंड करके तैयार कर लेंगे चटनी। देन हम तैयार कर लेते हैं तड़का, जिसके लिए तवे पे मैंने ऐड कर लिया है 2 to 3 टेबलस्पून ऑफ बटर एंड यहाँ पे मैंने लिया है 1 medium onion chop, जिसमें मैं ऐड करूँगी कोथमीर एंड फाइनली चॉप ग्रीन चिलीज। इन सबको हम मिक्स करके ऐड कर लेंगे तवे पे एंड थोड़ा सा कांदा सॉफ्ट होने तक के हम इसे भून लेंगे। देन हम इसमें ऐड कर लेंगे जो हमने पहले मिक्सचर बना के तैयार किया था, उसे अच्छी तरीके से मिक्स करके इसे लगा देंगे तवे के साइड पे। यहाँ पे मैंने नान लिया था, जिसे मैंने बटर लगा के अच्छी तरीके से दोनों बाजू से टोच कर लिया था। देन इसमें ऐड कर लेंगे मिक्सचर एंड अगेन थोड़ा सा बटर लगा के इसे कर लेंगे हम टोच। फाइनली इसे कट करके सर्व करेंगे हमारी ग्रीन चटनी के साथ एंड तैयार हो जाएगा हमारा चिकन नान चाप या चिकन नान सैंडविच। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए। एंड ऐसी और रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।